हेलो एवरीवन। बेटा अभी हमने दो टॉपिक किए हैं इस चैप्टर में, मैनेजमेंट का मीनिंग और मैनेजमेंट के फीचर्स। आई होप सो आपको याद होंगे। मैनेजमेंट का मीनिंग मैंने आपको क्या समझाया? सिंपल, मैनेजमेंट का मीनिंग है मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, कैसे? अफेक्टिवली एंड एफिशेंटली। तीन बातें। प्रोसेस किसे कहते हैं? प्रोसेस पाँच चीज़ों को मिलकर बनेगा। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अफेक्टिव और एफिशिएंट किसे कहते हैं? अफेक्टिव, आप काम को किस पे कंप्लीट करना चाहोगे? राइट टाइम। और एफिशिएंट किसे कहते हैं? कि आप काम को मिनिमम कॉस्ट पे कंप्लीट करना चाहोगे। जिसे ये याद है मतलब उसे कोई भी कंसेप्ट हो सकता है। उसके बाद मैंने फीचर समझाए थे, कितने समझाए थे? सात। बिना देखे अगर रिवाइज करें, मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे याद रखना, पेपर में याद रहेंगे। तीन, दो दो, तीन मेरे अनमोल रतन, दो जिन पे केस स्टडी बहुत ज़्यादा आती है, बाकी जो बच्चे कुछ रह गए वो दो। तीन अनमोल रतन कौन से हैं? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ऑल परवेसिव। तीन अलग याद हो गए। दो जिस पे सबसे ज़्यादा केस स्टडी आती है, इंटेंजिबल फोर्स और एक डायनेमिक फंक्शन, इन दोनों पे सबसे ज़्यादा केस स्टडी आएगी। और लास्ट के जो दो रह गए, दैट इज ग्रुप एक्टिविटी एंड मल्टी डायमेंशनल। जैसे मुझे याद है ना, जिस दिन आपको इस तरह से याद होगे उस दिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि अब आ जाए पेपर, अब हम करते हैं अटेम्प्ट और अब हम करते हैं बीएससी की केस स्टडी, तब तो मज़ा भी आएगा। मतलब आप समझो, अगर आप घर जाके 10-15 मिनट पढ़ रहे हो फॉर एग्जाम्पल, या नहीं पढ़ रहे, अगर आप इसे 15-20 मिनट पढ़ते हो या थोड़ी सी देर और एक्स्ट्रा पढ़ते हो, तो आपका पेपर वाले दिन कॉन्फिडेंस लेवल इस जगह की जगह इस जगह होगा। बाकी बच्चे हेजिटेट कर दोगे, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आप घर जाके कितना टाइम दे रहे हो अपने नोटबुक को, उसे कितनी देर रिवाइज कर रहे हो। अगर करोगे तो आपको भी इसी तरीके से याद होंगे जिस तरीके से मुझे याद है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, इसके बाद ऑल परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल, क्योंकि अब मैं इसे डीप में नहीं कराऊंगा, कॉन्टिन्यूस, ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक एंड इंटेंजिबल। 2 से 3 मिनट हमारा कंसेप्ट खत्म। आज का मेरा एक टॉपिक तो मुझे करानी है, टाइम लगा तो 2 हो जाएंगे। भैया कौन सा? ऑब्जेक्टिव। तो हेडिंग लिखो अपने नोट्स में जल्दी से, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, और उसके तीन ऑब्जेक्टिव हैं। ये तीन ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हो। सबसे पहले मैं कौन सा ऑब्जेक्टिव बताऊंगा आज आपको? ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल को हम क्या भी कहते हैं? बिजनेस ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। भाई हम क्यों मैनेजमेंट अप्लाई कर रहे हैं? हम क्यों सरदर्दी ले रहे हैं अपने गोल्स को अचीव करने की? हम क्यों कम टाइम पे और मैक्सिमम कम टाइम में और मिनिमम कॉस्ट पे काम करना चाहते हैं? क्यों करता है कोई धंधा? तो बेटा धंधे करने के ये तीन रीजन है, एक एक करके। पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अलग डिस्कस करूंगा, फिर कौन से करूंगा? सोशल, फिर कौन से करूंगा? पर्सनल। पहले खाली ऑर्गेनाइजेशनल, या जिसे हम बिजनेस ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। ये तो तुमने 11th क्लास के चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़े होंगे भैया। पढ़ा था हमने? हाँ पढ़ा तो था बेटा, आपने पेपर तो दिए आप सब ने। और इवन जिसने ना भी पढ़ा हो, ये तो मतलब जिसे कहते हैं ना ऐरा गहरा नत्तू गहरा, रिक्शे वाले से भी पूछूं हाँ भाई धंधा क्यों करना है, तो वो भी इसका आंसर सही देगा। तो तुम तो कम से कम सही दे ही सकते हो। क्यों करते हो आप बिजनेस? पैसा कमाने के लिए। लेकिन उसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, है ना? पैसा कमाना तो नहीं लिख सकते ना इंग्लिश में। एक मेजर रीजन क्या है? प्रॉफिट। अच्छा अभी सोशल और पर्सनल को तो बाद में डिस्कस करूंगा, खाली बस बिजनेसमैन क्यों धंधा करता है? अगर आपने प्रॉफिट कमा लिया, आप क्या कह रहे हो साथ में? क्या करना? ग्रोथ। बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे नहीं पता आपने पढ़ रखा है या पहले आपने खुद प्रिडिक्ट किया। अगर खुद किया तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ रखा है ना। बिना पढ़े अगर मैं बात करूं, मैं कह रहा हूं आपने नहीं पढ़ रखा, आप एक नया धंधा शुरू कर रहे हो। मैं सही बता रहा हूँ, जब नया बंदा एक दुकान खोल के बैठता है ना अपनी छोटी सी, ना वो प्रॉफिट सोचता ना वो ग्रोथ सोचता। वो सबसे पहले पता क्या सोचता है? जब उसकी नई नई दुकान खुलती है, वो कहते हैं 2 समय के बस पैसे आ जाएं, जितने का मेरा खर्चा हो रहा है ना उतने की मेरी कमाई हो जाए। अगर एक दिन में मेरा 1000 का खर्चा आ रहा है ना, तो मेरी कमाई भी कितने की हो जाए? 1000 की। कि कम से कम दुकान चलनी शुरू हो, कम से कम लोग आनी शुरू हो, प्रॉफिट तो बाद में देखेंगे।
हर कोई बंदा पता पहले बंदे में हर एक बिजनेसमैन पहले क्या करना चाहता है, सर्वाइव। सर्वाइव कैसे होता है, जब उसकी टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होती है, टोटल रेवेन्यू के। जब सर्वाइवल होना शुरू हो जाता है 1-2 महीने 3 महीने, फिर मेजर ऑब्जेक्टिव। मेजर क्या मतलब बेटा, सबको यही करना है, और जो क्या है प्रॉफिट। प्रॉफिट किसे कहेंगे, जब कमाई ज्यादा खर्चे से, अगर 1,000 का खर्चा आ रहा है तो कमाई कितने की हो, 1,500 की। चलो आपने हर महीने के 1-2 लाख कमानी शुरू कर दिया, 5-10 साल हो गए कमाते हुए। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ह्यूमन साइकोलॉजी। जब बंदा हर महीने के 1-2 लाख कमाने शुरू कर देते हैं ना, फिर बंदा कहता है यार मजा नहीं आ रहा धंधे में, हो ही रहा है, सब ही कमा रहे हैं प्रॉफिट। अब फिर उसकी एक्सपेक्टेशन पता क्या होती है, अगर मेरी एक शॉप थी तो अब कितनी हो जानी चाहिए कुछ साल बाद, 2। फिर जब 2 हो जाएंगी, फिर कुछ समय बाद उसकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी, मेरी कितनी हो जानी चाहिए, 3। और ये बहुत जरूरी है लाइफ में, वरना लाइफ बोरिंग बन जाएगी। यार वही डेली वही काम कर रहे हैं, जाते हैं दुकान, माल खरीदा, माल बेच दिया, अपना वही पैसे कमा के आ जाते हैं। तो हर एक को लाइफ में क्या चाहिए होती है, ग्रोथ। अब आप, मैं आपसे पूछता हूँ, आपने पढ़ा हुआ नहीं है, कैसे पता चलेगी कि एक बिजनेसमैन की ग्रोथ हो रही है या नहीं? आप कैसे डिसाइड करते हो, भाई ये बंदा तो बहुत ग्रो करता है, भाई साहब अंधा पैसा छाप रहा है, ये कैसे डिसाइड होता है? क्या क्या पैरामीटर रहते होंगे कि जिससे पता चलता होगा ये बंदा ग्रो करता है? साइज, हाँ वो साइज ऑफ बिजनेस कैसे पता चलेगा? मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ऐसे कह सकते हैं, अगर सेल्स बढ़ रही है तो मतलब क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। क्या मैं कह सकता हूँ, नहीं पिछले साल आपने 10 लाख, बेटा अगर आप कभी बिजनेसमैन के साथ बैठना, वो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, ये बंदा आज के दिन 10 करोड़ का है मार्केट में, पता है ये बंदा आज के दिन 50 करोड़ का है मार्केट में, ये बंदा 100 करोड़ का है, इस फर्म की सेल पता कितनी की, 150 करोड़ की हुई। मैं कोई इमेजिनरी एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूँ, जो मैं मार्केट में बैठ के सुनता हूँ, मैंने वही आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिए, वो ऐसे बोलता है, कह रहा उस बंदे की औकात पता कितनी होगी, भाई साहब पिछले साल तो 50 करोड़ का माल बेचा था, इस साल 100 करोड़ का माल बेचा उसने, ऐसे बोले जाता है। और यही तरीका है ग्रोथ का, कि सेल्स बढ़ रही है, सेल्स के यहाँ उसके यहाँ पता कितने नौकर चाकर हैं, पहले तो 2 ही बंदे काम करते थे, आज के दिन 10 बंदे रखे हुए अपनी दुकान पे उसने, मतलब है गुडविल बढ़ती है। गुडविल अपने आप ही बढ़ जाती है जब आपकी सेल्स बढ़ रही है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ रहे हैं, तो इससे पता चल जाता है। मुझे लगता है जिसने यहाँ पे सुन लिया काम खत्म। बिजनेसमैन के 3 ऑब्जेक्टिव हैं, हर एक बिजनेसमैन को पहले क्या करना है, सर्वाइव। जब सर्वाइवल हो जाएगा फिर उसे क्या चाहिए, प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाना शुरू कर देगा फिर उसे क्या चाहिए, ग्रोथ। अब भैया बीच में एक एक लाइनें भी लिखवा दो। सर्वाइवल का मतलब जब टोटल कॉस्ट किसके इक्वल है, टोटल रेवेन्यू। वैसे मैं सही बताऊं, केस स्टडी में अगर आपने 3 लाइनें लिख दी ना, हेडिंग, आपके फुल मार्क्स हैं, इस बात की मेरी गारंटी है। लेकिन फिर भी बीच में राम कहानी लिख के नहीं आनी है, कुछ वर्ड्स लिख के आने हैं जो मैं बताऊंगा, जैसे कि TC इज इक्वल टू TR, मतलब सर्वाइवर। टोटल रेवेन्यू ज्यादा है, माल कम का खरीदा बेचा ज्यादा का, तो आप क्या कमाओगे, प्रॉफिट। और ग्रोथ के इंडिकेटर क्या हैं, जब आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ रहे हैं, सेल्स बढ़ रही है, आपका फैक्ट्रीज बढ़ रही है नंबर ऑफ, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, ग्रोथ। तो बेटा ये देखो ऑर्गेनाइजेशनल के 3 ऑब्जेक्टिव मैंने बिल्कुल ही क्रक्स करके लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रिंटेड नोट्स में इसी चीज को डीप में लिखा हुआ है। मेन ऑब्जेक्टिव किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, अपनी ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, सर्वाइवल करना, प्रॉफिट करना और ग्रोथ करना। सर्वाइवल कब होता है, प्रॉफिट कब होती है, और ग्रोथ के इंडिकेटर क्या है, प्रोडक्शन बढ़ना, सेल्स बढ़ना और एम्प्लॉयज बढ़ना, ये सारे क्या है, ग्रोथ के इंडिकेटर्स। और हर एक को ये चाहिए, जैसे अंबानी जी और अडानी जी ग्रोथ कर रहे हैं आज के दिन, भाई साहब ऐसी ग्रोथ हर कोई करे। अडानी जी आपके बैच में तो बताया था ना, अडानी जी आजकल कैसे काम कर रहे हैं, हर एक जगह ही उनका नाम है, मतलब नेक्स्ट लेवल। लेकिन उसमें काफी लूप होल्स भी हैं, मैं अगर बताऊं, अडानी जी पे बहुत मोटे अमाउंट का लोन चल रहा है आज के दिन, बहुत जबरदस्त। बेटा लोन तो हर कोई लेता है, कौन नहीं लेता बिजनेस चलाने के लिए, लेकिन एक कंडीशन होती है
कि बस अपनी टोटल इनकम का इतने परसेंट लोन लेना चाहिए। अगर आप लाख रुपए कमा रहे हो और अगर आप 20,000 की ईएमआई के अकॉर्डिंग लोन ले रहे हो तो ठीक है, आपने अपनी इनकम का 20% रिपेइंग कैपेसिटी का लोन लिया तो आप पे बहुत रिपेइंग कैपेसिटी है। अगर आप 1 करोड़ रुपए कमा रहे हो तो किसी ने मना कोई किया, ऐसा लोन लो जिसमें 20 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपकी औकात क्या है उसके अकॉर्डिंग लेना चाहिए। बंदे वो डूबते हैं जिनकी औकात होती है 10 लाख की, लोन ले लेते हैं 50 लाख का, वहां गड़बड़ होती है और कुछ नहीं। और आपको जो क्या नाम है अपने अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी, बेचारे वो इन्हीं 3 पॉइंट से निकले हैं। धीरू भाई अंबानी ने ही अंपायर बनाना शुरू किया था, वो कोई सदियों से अमीर नहीं है। मुकेश अंबानी, जो धीरू भाई अंबानी उनके फादर थे, वो पेट्रोल पंप में एज ए वर्कर काम कर चुके हैं, अगर आपको पता हो तो। गुरु मूवी है, उन्हीं के फादर ने फर्स्ट टाइम इंडिया में शेयर इंट्रोड्यूस करे थे धीरू भाई अंबानी ने, और उसके धन तो गुरु मूवी बिल्कुल उसकी लाइफ पे ही है। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे, पहले तो वो बाहर जाके थोड़ा सा काम सीख के आए इंडिया के बाहर, यहाँ आके एज ए पेट्रोल, मतलब पेट्रोल वालों के यहाँ एज ए वर्कर काम किया। फिर उन्होंने विमेन सूट की फैक्ट्री लगाई, मतलब उनके कपड़े बेचने का काम था, वो काम भी बंद हो गया। फिर उन्होंने दोबारा से धंधा स्टार्ट किया, पहले उन्होंने धंधे में सर्वाइव किया, फिर प्रॉफिट, और आज के दिन तो खैर पूरे इंडिया को ही पता है। जो वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं उनके आगे कोई तोड़ है ही नहीं, इसीलिए रिचेस्ट मैन मतलब अब सेकंड पे है वरना फर्स्ट पे होते थे। फिलहाल ये हो गया फर्स्ट। सेकंड हेडिंग कौन से दिखाऊंगा बाद में पॉइंट, सेकंड कौन से ऑब्जेक्टिव है सोशल। पहले समझ लो हम लिखना क्या चाहते हैं यहाँ पे। सोशल का मतलब सोसाइटी के लिए भी आपकी कुछ, सोसाइटी की भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन है। जब एक बंदा बिजनेस कर रहा है ना, उसे सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहिए। सोसाइटी के लिए मतलब, आप एक बार जरा ध्यान से सोचना, अगर कोई बिजनेसमैन सही में बिजनेसमैन बना, वो लाखों करोड़ रुपए कमा रहा है, क्यों कमा रहा है? खाली सोसाइटी की वजह से। बिजनेसमैन है क्या बिना सोसाइटी के? भाई अगर आज अडानी या मुकेश अंबानी इतनी बड़ी हस्ती हैं, ये बिजनेस करते हैं, ये इनपुट कहाँ से लेते हैं? रॉ मटेरियल सोसाइटी से। लेबर कहाँ से मिलती है? सोसाइटी से। आउटपुट किसे बेच रहे हैं? सोसाइटी को। पैसा कहाँ से कमा रहे? सोसाइटी से। जहां से तुम इतने बड़े इंसान बन रहे हो तो उनके लिए कुछ करना भी चाहिए आपको। तो आपको सोसाइटी के लिए क्या करना चाहिए वो यहाँ पे आएगा। बिना पढ़े मैं कह रहा हूँ, आपको क्या करना चाहिए सोसाइटी के लिए? अगर आप कल को आप लाखों करोड़ रुपए कमाओगे तो क्या करोगे इतना पैसा कमा के? एक एक करके। सबसे पहला पॉइंट यही है, दो तरह के गुड्स आते हैं, एक आते हैं गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, एक आता है मिलावटी बैड क्वालिटी। तो जब यार इतना पैसा कमा ही लिया, खराब माल क्यों बेचना? कैसा प्रोडक्ट बेचो? गुड क्वालिटी, वो भी किस रेट पे? रीजनेबल, मतलब ज्यादा पैसे लेने की जरूरत नहीं। भाई दे रहे ना भगवान तुम्हें अंधा पैसा, तो थोड़ा सा दो पैसा कम कमा लो, अच्छा माल दो और सही रेट पे दो। हम ये नहीं कह रहे प्रॉफिट ना कमाओ, कमाओ लेकिन रीजनेबल। 10 का माल 12-15 में बेच दो, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं कि 10 रुपए का माल कितने का बिक रहा है, 100 रुपए का बिक रहा है। तो एक तो अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स दो, किस रेट पे दो? रीजनेबल रेट पे। फर्स्ट पॉइंट, चार पॉइंट है, एक एक करके लिखना। अच्छा और क्या करना चाहिए हमें सोसाइटी के लिए? एक हम ये कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, जो बेसिक सर्विसेज होती है जैसे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इसे ओपन कर सकते हैं। भाई तुम लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हो तो अपने स्कूल्स नहीं बना सकते क्या? अपने हॉस्पिटल नहीं बना सकते? भैया सही में कोई बनाता है जिसने अपने स्कूल या अपने हॉस्पिटल बना रखा पूरा का पूरा फ्री में सर्विस दे रहा है क्या भैया? सही में कोई दान दे, चैरिटेबल हॉस्पिटल जैसे आपने कहा। अब मेन बात है क्या है क्या भैया? बड़े बड़े गप्पे तो मारते हो, क्या है क्या भैया कोई धंधे में जो कर रहा है ऐसे काम? कैंसर हॉस्पिटल है, बिल्कुल सही। किसका है? रतन टाटा जी का, अभी ओपन किया उन्होंने इस साल। और टाटा जी तो अपनी इनकम का 66% डोनेट कर देते हैं। जब भी सोशल ऑब्जेक्टिव की बात आती है ना, रतन टाटा जी से बड़ा कोई नाम ही नहीं है, पूरे इंडिया में कोई नाम नहीं है। बेटा हमने रिलीजियस वर्ड नहीं बोला मैंने यहाँ पे, मैंने रिलीजियस पे भी बाद में आते हैं, वो कौन चला रहा है उस पर भी क्वेश्चन अराइज करेंगे। अभी के लिए हम सिंपल यहाँ रिलीजियस नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम खाली क्या लिखेंगे? रिलीजियस आ गया फिर तो कहीं ना कहीं भेदभाव कर रहे हो।
हम यहाँ पे सोसाइटी में कोई, फिर वो मुझे थ्री इडियट्स या पी के कौन से थप्पा कहाँ पे है, कौन हिंदू कौन मुस्लिम है ना, यहाँ पे हम उसकी बात कर ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं आपको स्कूल्स हॉस्पिटल्स खोलने हैं, और मैं आपको ये बता रहा था अगर टाटा जी डोनेट ना करें तो जो रिचेस्ट मैन होंगे ना इंडिया के, ना वो अडानी होगा ना वो अंबानी होगा, वो रतन टाटा जी होंगे। वो अपनी इनकम के भाई साहब, मैं अगर आप कल को 1 करोड़ रुपए भी कमाओगे ना, मैं आपसे कहूंगा 1 लाख रुपए दे दो आपको, तब बिल दे देंगे आप या मैं, कि कोई मुझसे मांग ले कि 1 लाख रुपए दे दो अपनी इनकम में से, चाहे जितना भी कमा लो। टाटा जी जितना भी कमा रहे हैं उसका 66% डोनेट कर देते हैं, 66%, और आज से नहीं कितने सालों से करते हैं। उनका कहना ये, मेरा तो भला हो गया, अब किसका भला होना चाहिए, सोसाइटी का। एक और बात, तुम्हारे जैसे और मेरे जैसे लोग गलती से 2, 5, 10, 20, 50 करोड़ कमा लेना तो आसमान पे चढ़ जाते हैं। टाटा जी कैसे इंसान है, इतना कमाने के बाद 66% डोनेट करने के बाद, जब कभी उन्हें ट्रैवल करना होता है ना, वो अपना प्राइवेट जेट से ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन वो कितनी बार इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करते हैं, जैसे आप और मैं ट्रैवल करते हैं। एक बात तो ट्विटर पे एक बंदे ने ट्वीट डाला था कि मैं कहीं ट्रैवल करता था और मैंने रास्ते में देखा कि मेरे साथ कौन बैठे हैं, सर रतन टाटा जी। अगर उनके मैं जितनी बातें बताऊं वो उतनी कम है, वो इतना सोसाइटी के लिए काम करते हैं। जब सोशल ऑब्जेक्टिव की बात आई तो आपको ऐसे इंसानों के बारे में पता होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट, आप अपने स्कूल्स या हॉस्पिटल, क्या भैया रिलायंस वालों के भी हैं, रिलायंस वालों के भी हैं, लेकिन वो अपने एम्प्लॉयज के लिए हैं। और रतन टाटा की एक और बात अगर मैं बताऊँ, टाटा जी की जब बात कर ही रहा हूँ, तो 2008 में मुंबई अटैक हुआ था, कहाँ पे हुआ था पता है, 2008 में होटल ताज में अटैक हुआ था, और वो होटल ताज किसका ही है, रतन टाटा जी का ही है, टाटा ग्रुप का ही है। तो वो मेजर सेंटर पॉइंट था अटैक का। तो रतन टाटा जी ने, खाली उनकी जिम्मेदारी क्या थी, खाली जो उनकी एम्प्लॉयज की डेथ हुई वो उन्हें पैसे दे, उन्होंने ये कहा था कि मुंबई में जितने लोगों की भी डेथ हुई, जितने भी उस अटैक में, मैं सबको कंपनसेशन दूंगा, क्योंकि अटैक मेरे होटल में हुआ था, वो मेरे होटल में आए थे, जिनको भी नुकसान हुआ, जितने भी लोगों को, उन्होंने सबको कंपनसेशन दिया, एक एक इंसान को। ऐसी पर्सनैलिटी है वो। तो खैर बेटा, उसके बारे में तो हम एक अलग लेवल पे डिस्कशन कर सकते हैं कि वो सोसाइटी के लिए कितना करते हैं। और ऐसे वो एक इंसान नहीं है, ऐसे इंडिया में 2, 3, 4 इंसान और भी हैं जिन्होंने इन्फोसिस बनाई, नारायण मूर्ति जी, उनका एक अलग इंसिडेंट है कि वो सोसाइटी के लिए कितना करते हैं। उनकी बीवी है सुधा मूर्ति जी, वो डेली बेसिस पे अन्नपूर्णा किचन करके अपना एक किचन स्टोर चलाती है, जो 2 लाख बच्चों को फ्री में, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे आते हैं उन्हें हाई क्वालिटी गुड्स फूड प्रोवाइड करती है एट नो कॉस्ट, 2 लाख बच्चों को डेली खाना खिलवाना। सुधा मूर्ति बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, सुधा मूर्ति, नारायण मूर्ति, इन्फोसिस कंपनी चला रही है वो कंपनी, तो ऐसा बहुत कुछ। और उनके वाइफ, अगर मैंने नारायण मूर्ति जी के बारे में बताना शुरू किया, मतलब ऐसी ऐसी पर्सनैलिटी है ना इंडिया में, जिसकी मुझे लगता है कि एक दिन आपको अलग से बताना चाहिए कि ऐसी पर्सनैलिटी, इनसे कुछ एथिकल वैल्यूज सीखनी चाहिए। पैसा कमाना सब कुछ नहीं होता, आपके नाम क्या है, वो आपका नाम कितना है, वो जरूर होना चाहिए आपको सोसाइटी में। तो फिलहाल मैंने दो बताए, एक क्या बताया, स्कूल हॉस्पिटल्स दे दो, और मैंने क्या बताया, रीजनेबल रेट पे क्या दे दो, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। अच्छा, और क्या कर सकते हैं हम सोसाइटी के लिए सोशल ऑब्जेक्टिव में, दो पॉइंट और आएंगे। देखो, दो तरीके से प्रोडक्शन होती है, एक तो हर जगह धुआं ही धुआं है ना, और एक तरीका क्या है, इको फ्रेंडली, जिससे इन्वायरमेंट को आप पोल्यूट नहीं करोगे। तो आपको बेसिकली कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, आपको इको फ्रेंडली मेथड, अगर आपके पास क्लासमेट, एक समय बहुत चलती थी, मुझे नहीं पता आज के दिन आप क्लासमेट ही यूज कर रहे हो, उसके लास्ट में एक लाइन लिखी हुई होगी क्लासमेट के, वी यूज इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, कि हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली का मतलब जिससे कि इन्वायरमेंट को क्या नहीं होता, हार्म नहीं होता, जिससे कि हम कोशिश करते हैं कि पोल्यूशन कम से कम हो। और लास्ट पॉइंट, आपको जॉब क्रिएट करनी चाहिए, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, और बेसिकली जॉब भी पता किसके लिए क्रिएट करोगे, डिसएडवांटेज सेक्शन के लिए, किसके लिए, डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज का मतलब समझते हो, डिसएडवांटेज जिन्हें, जो किसी भी तरीके से डिसेबल है। तो बेटा ये लिख लो जल्दी से,
चार पॉइंट है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, इको फ्रेंडली मेथड, बेसिक एमेनिटीज, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते या चल नहीं सकते, इन सब लोगों के लिए जॉब क्रिएट करें। इसे नोट डाउन कर लो, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव के बाद जो इसमें लास्ट आता है वो सिंगल ऑब्जेक्टिव कौन सा, पर्सनल। बेटा बिजनेस, सबसे पहला मैंने कौन सा ऑब्जेक्टिव बताया था आपको, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जो बिजनेस मैन है वो क्या कमाना चाहेगा, प्रॉफिट, सर्वाइवल, ग्रोथ। सोसाइटी के लिए जो काम करोगे वो सोशल। तीसरे नंबर पे आ रहा है पर्सनल। पर्सनल का मतलब क्या है, जो एम्प्लॉई काम करते हैं, जो कौन काम करते हैं, एम्प्लॉयज, उन एम्प्लॉयज की भी कुछ एक्सपेक्टेशन होगी। जब आप कल को किसी कंपनी में काम करोगे, आप ये बताओ कल को आप कहीं काम करते हो तो क्या चाहिए आपको उस कंपनी से। सबसे पहले आपने वर्किंग एनवायरनमेंट का, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले कुछ और कहता, सबसे वहां आएगा पॉइंट, लेकिन सबसे पहले तो सबसे बड़ा रुपया, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सबसे पहली बात तो यह, भाई साहब अच्छी सैलरी चाहिए, बेशक दो चार गाली फालतू मिल जाए, सैलरी कम नहीं होनी चाहिए, ये फैक्ट है, ठीक है ना। गाली तो हर एक जगह मिलती है, लेकिन जहाँ पे पहली बात सैलरी अच्छी मिलनी चाहिए, नो डाउट। सेकंड पॉइंट सैलरी के बाद हम एक जरूर करेंगे कि वर्किंग कंडीशन क्या होनी चाहिए, गुड वर्किंग कंडीशन। कैसी वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, गुड, बोथ रिस्पेक्ट, बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो ऐसा ना हो कि भाई साहब पंखा भी नहीं चल रहा जहाँ बैठे हुए हो, है ना। जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, कितने लोग कहते हैं ना कि सेल्स की जॉब बहुत अच्छी है, सेल्स की जॉब अच्छी नहीं है। मैं कह रहा हूँ मैं आपको 50,000-60,000 भी दे रहा हूँ एक महीने के, लेकिन आपको गर्मी में 30-40 डिग्री के टेम्परेचर में, गर्मियों में एक दुकान से दूसरी दुकान में घूमना है, तो कितने लोग वो जॉब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे वर्किंग कंडीशन क्या नहीं है, अच्छी नहीं है। तो दो तीन बातें हैं, एक तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, अच्छी सैलरी, सैलरी के बाद हमें चाहिए गुड वर्किंग कंडीशन। उसके अलावा एक चीज जो हम यहाँ पे जो बहुत जरूरी है, उसे क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन कह दो या रिस्पेक्ट कह दो, कि भाई अगर मैं अच्छा काम करूं तो मेरी तारीफ होनी चाहिए। और तारीफ दो जगह हो सकती है, एक तो कलीग्स के बीच में जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, और एक सोसाइटी के बीच में। तो आपको सोसाइटी में भी रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, और आपको किस में भी रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, अपने पर्सनल कोलीग्स के बीच में। ये चारों पॉइंट्स लिख के हमारे कौन से ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएंगे, पर्सनल। मैं आपको लिंक भी कराता हूँ इसको। आप कभी डोमिनोज वगैरह गए हो हर एक जगह, तो वहां पे एक बोर्ड भी लगा रहता, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, और उनकी फोटो भी लगी रहती है। बेशक तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ किसकी फोटो लगी है, क्यों लगी है, लेकिन जिसकी लगी हुई है कभी उससे पूछ के देखो कि भाई यहाँ पे 20-25 लोग काम करते हैं और मुझे कौन सा अवार्ड मिला है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का। तो उसे एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यस मुझे सबसे ज्यादा क्या मिला है, मुझे सबसे ज्यादा रिवॉर्ड मिला है, रिकॉग्नाइजेशन मिली है। तो वही पॉइंट है, आपकी सैलरी क्या होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव। आपको कौन सा रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, पीयर का मतलब कोलीग्स में जो मिल रहा है, सोशल का मतलब जो सोसाइटी में मिल रहा है, वर्किंग कंडीशन कैसी होनी चाहिए, गुड एंड हेल्दी, अच्छी वर्किंग कंडीशन। और लास्ट पॉइंट, आपकी पर्सनैलिटी की ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, ये हर एक को चाहिए जब भी आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, कि भाई जो सैलरी थी उसमें कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ होती रहनी चाहिए। तो बेटा ये तीन ऑब्जेक्टिव हैं, तीनों ही बहुत रेलेवेंट है एग्जामिनर के दिल के बहुत पास, केस स्टडी के लिए तीनों ही रेलेवेंट है। एक केस स्टडी दे देंगे और वो आपको कहेंगे करो आइडेंटिफाई कि यहाँ पे कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, सोशल है, पर्सनल है या ऑर्गेनाइजेशनल। और मैंने जितना लिखवाया इतने ही आपको याद रखने हैं। 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन रेलेवेंट बहुत है ये पूरा का पूरा टॉपिक ऑब्जेक्टिव का। कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ लो, अदरवाइज ये ऑब्जेक्टिव का टॉपिक कंप्लीट, पर्सनल, सोशल और उससे पहले ऑर्गेनाइजेशनल। एक सेकंड, पर्सनल ग्रोथ का क्या मतलब है बेटा, पर्सनल ग्रोथ का मतलब ये है कि आपका टाइम आफ्टर टाइम आपको प्रमोशन मिलता रहना चाहिए। अगर आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा ना किसी कंपनी में,
आप जॉब शिफ्ट करने की सोचोगे, आप कहोगे ये कंपनी तो ना सैलरी बढ़ा रही है ना पोजीशन बढ़ा रही है, तो बंदा क्या कहेगा, मैं तो क्या शिफ्ट कर लेता हूँ जॉब। तो बेसिकली अभी हमने इस चैप्टर में क्या किया, मैनेजमेंट का मीनिंग, मीनिंग के बाद फीचर्स, फीचर्स के बाद ऑब्जेक्टिव। मैं हमेशा बच्चों को ये कहता हूँ बेटा पेपर में ये ध्यान से पढ़ना कि केस स्टडी किस पे आई है। फीचर्स पे आई तो कितने पॉइंट, 7। ऑब्जेक्टिव पे आए तो 3। अभी अगला टॉपिक, नाम नाम का अगला टॉपिक है लेकिन वो अगला बनता नहीं है, मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस, मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस। इसके पता कितने पॉइंट है, 5। सुनना, जिसमें से एक दो पॉइंट तो मैं मीनिंग से निकाल दूंगा, दो पॉइंट मैं फीचर से निकाल दूंगा, दो पॉइंट किससे निकाल दूंगा, ऑब्जेक्टिव से, काम खत्म। भैया जैसे कि मीनिंग में था ना कि मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट के मीनिंग में था कि हम काम को कैसे करना चाहते हैं अफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो पहली इंपॉर्टेंस ही पता क्या लिखी जाती है, मैनेजमेंट पता क्या इंक्रीज कर देता है, एफिशिएंसी। क्या इंक्रीज कर देता है, एफिशिएंसी। अगर आप मैनेजमेंट से काम करोगे तो आपका खर्चा बहुत कम होगा। तो एक पॉइंट खत्म, दो पॉइंट फीचर से कैसे आएंगे, ये आपके गोल्स को, ग्रुप गोल्स को अचीव करने में क्या करता है, मदद, इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। आप अपने ग्रुप गोल्स को इजीली क्या कर सकते हो, अचीव। तो एक पॉइंट कहाँ से निकल गया, फीचर। एक और पॉइंट फीचर से निकलेगा, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्या बना देता है, डायनेमिक। ये आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्या बना देगा, डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब जिसमें आप इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते रहोगे, चेंजेस करते रहोगे। और दो ऑब्जेक्टिव में से ये जो लिखे हुए हैं ना, यही, इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, और इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। अभी मैं दिखाऊंगा, मैं दोबारा कह रहा हूँ, इम्पोर्टेंस का टॉपिक कोई नया नहीं है। एक पॉइंट मीनिंग से, दो फीचर्स से और दो ऑब्जेक्टिव से। अगर आपको पुराने टॉपिक याद हैं तो खाली हेडिंग्स हेडिंग्स देखें, ये मीनिंग से आ गया, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। फिर फीचर वाले, इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स और इट क्रिएट्स ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों फीचर्स में थे, ये मीनिंग। और लास्ट के दो पॉइंट किसमें से हैं, ऑब्जेक्टिव, इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव और इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। इवन इसके बीच के पॉइंट भी सेम है, कुछ नया इसमें नहीं लिखना। आप हैंड रिटन नोट्स में चारों हेडिंग लिखोगे, चारों के बीच का कंटेंट लिखोगे, लेकिन इसमें के बीच में पता क्या लिख दोगे, सेम एज सोशल ऑब्जेक्टिव, कुछ भी नया लिखने की जरूरत नहीं है। इसे नोट डाउन कर लो, हमारे मीनिंग हो गया, फीचर हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया एंड इम्पोर्टेंस, हमारे ये तीन कंसेप्ट खत्म। आई होप सो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो। केस स्टडी जहाँ जाएगी, मैंने आपको पहले बता दिया, दो फीचर्स पे और ऑब्जेक्टिव पे, इम्पोर्टेंस पे एज सच नहीं बनेगी, नोट डाउन कर लो इसे।